हुकूमत का नवाज शरीफ को मुजरमों की हवालगी के तहत वापस लाने का ऐलान। मावन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी, उनका स्टेटस मफरूर का है। इलाज के लिए 4 हफ्ते बैरून मुल्क रहने की इजाज़त दी थी, इस दौरान एक टीका तक नहीं लगा। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम हैं और मजे से लंदन की सड़कों पर मटर गश्त कर रहे हैं। उन्हें वापस लाने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएंगे। लोगों की बीमारी पर भी सियासत करते हैं। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की इजाजत हुकूमत ने खुद तसल्ली करके दी है, और अगर हुकूमत समझती है कि किसी किस्म का धोखा हुआ है तो सबसे पहले वो वजीर आजम, मुशीर सेहत वफाकी और सूबाई वजीर सेहत का इस्तीफा कौम के सामने पेश करे। नवाज शरीफ धोखा देकर बैरून मुल्क गए तो वजीर आजम और मुशीर सेहत इस्तीफा दे दे। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ को हर तरह की तसल्ली के बाद जाने की इजाजत दी गई। पीटीआई के वजीर सेहत ने खुद नवाज शरीफ के इलाज की निगरानी की थी। डॉक्टर फैसल ने तस्दीक की कि नवाज शरीफ की सेहत तशवीशनाक है, ये लोग बीमारी पर सियासत कर रहे हैं। जिस दिन वालिदैन कहेंगे नवाज शरीफ, एक दिन जाया किए बगैर वापस आ जाएंगे। तर्स ना खाओ, नवाज शरीफ बीमार नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की घनगरज, साबिक वजीर आजम के टेस्ट से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बोले ये लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ केसेस बंद हो जाएं। मरियम नवाज की तकलीफ भी यही है, आपा और पापा मिलकर चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हुकूमत इसहाक़ डार को वापस ना ला सकी, नवाज शरीफ को लाना तो और मुश्किल है। वफाकी वजीर शेख रशीद का इजहार मायूसी, बोले नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करे, उनके लिए शहबाज की एक कुर्बानी काफी है। ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाए, मुकदमा का सामना करे। पिंडी बॉय ने जहांगीर तरीन की वापसी की भी पेशगोई कर दी, ये भी कहा अपोजिशन मुर्दा और थकी हुई है, ये लोग इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल का पानी निकला नहीं, आज फिर बारिश हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की दोबारा एंट्री, तेज बरसात के बाद नशेबी इलाके फिर जेरे आब। न्यू कराची और सुरजानी का बुरा हाल, दीगर इलाकों में भी पानी पानी। गुज़िश्ता रोज गुजर नाला ओवरफ्लो होने के बायस आबादी में घुसने वाला पानी ताहाल ना निकाला जा सका, निकासी आब का काम सुस्त रवि का शिकार। इलेक्ट्रिक ने रविश ना बदली, कराची में बारिश की चंद बूंदों ने ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली छूमंतर, कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज गायब होने वाली बिजली ताहाल न लौटी, अवाम ने रात तारीकी में गुजारी। कराची वालों तैयार रहो, मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल कल भी बरसेंगे, सिस्टम परसों जाकर कमजोर होगा। मंगल से मॉनसून की छठी इनिंग्स शुरू होने का इम्कान, बारिश की आंख मचोली 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा की शिरकत, बारिश और नालों की सफाई पर गुफ्तगू, वफाकी मंसूबों की रफ्तार तेज की जाए, सूबाई वज़रा का मुतालबा। सिंध में तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत, कमेटी आइंदा हफ्ते दोबारा बैठक लगाएगी, वफाकी वजीर असद उमर का कराची के मसाइल हल करने का आज़्म। वजीर बल्दियात नासिर शाह कराची में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन, प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में बोले मुराद अली शाह ने कराची के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, शहर में अब 3 से 4 घंटे में पानी निकाल दिया जाता है, जिनके घरों में पानी आया उनसे माजरत, लेकिन नालों की सफाई का काम KMC का है, इस बार हमने जिम्मेदारी उठाई, कम फंड्स में काफी नाले साफ किए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 1 सितंबर को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समाअत करेंगे।
पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 586 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 292,174 तक पहुंच गई। 275,317 अफराद सेहत याब। मजीद 10 अमवात के बाद जांबहक अफराद की तादाद 6,231 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 10,625 रह गए। हजारा डिवीजन के 28 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के 47 मुलाजमीन ने कोरोना वायरस की तस्दीक। रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद नारान, काहान और शोग्रान के मुतासा होटल्स और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा अली शाह की खुदकुशी। 4 रोज से जारी पुलिस तफ्तीश मुकम्मल। एसएसपी साउथ के मुताबिक डॉक्टर माहा निजी अस्पताल की ड्यूटी से वापस आई तो काफी डिप्रेस थी। डॉक्टर महा ने बाथरूम जाकर खुद को कनपट्टी पर गोली मार दी। मुतफिया को पिस्तौल फराहम करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। 9mm पिस्तौल साद सिद्दीकी की थी जो ताबिश कुरैशी ने माहा के मांगने पर लेकर दी थी। लाहौर में फेसबुक पर धमकी आमेज कमेंट करने की रंजिश पर 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने तहरीक कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद रोज कबल मकतूलीन के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। मजीद तफ्तीश जारी है। भारत फिर आबी जारहत पर उतर आया। सलाल डैम से दरिया चनाब में 1,00,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट कुजावाला में एराजी मुतासर होने का खदशा। मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मानसून बारिशों से मुल्क भर में बुरा हाल। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू की तहसील जोही में दर्जनों देहात बह गए। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरतेहाल। जोब में बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहरा बंद। झलमक्सी में गंदावा रोड को नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलथल 1। लाहौर में बारिश का पानी ताहाल कज़ाफी स्टेडियम के बाहर जमा। दीगर इलाकों में भी निकासी आब ना हो सका। तुर्की में आया सूफिया के बाद कारिये म्यूजियम भी दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 16वीं सदी के चर्च को 1945 में म्यूजियम बनाया गया था। ये इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिस्वी और मैं हूं मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा किए, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, हुकूमत का नवाज शरीफ को मुजरिमों की हवालगी के तहत वापस लाने का फैसला। मावन खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब उनकी हैसियत सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम की है। बरतानवी हुकूमत से मार्च में राबता किया था, अब दोबारा करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन होगा। इसहाक डार की वापसी के लिए MOU हो गया। उनके खिलाफ अदालत में केस चलेगा। शुगर कमीशन की सिफारिशात पर FIA ने काम शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ साहब सियासत में ना दाखिल हुए हैं 7 दिनों से और ना अगले 700 साल तक दाखिल हो सकते हैं क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ताहयात नाहल किया हुआ है। जब आप एक ताहयात नाहल हैं तो वैसे आप तस्वीर तो दीवार पे लगा लें, आप अमली सियासत में नहीं आ सकते। एक तो होता है मुलज़म, मुलज़म पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, जैसे कि इसहाक डार है, उसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। मुजरम के ऊपर तो जहां मिले जैसे मिले पकड़ के हवाला पुलिस कर दिया। हमें उम्मीद है कि अगर हम इसको सही तरह से परसू करेंगे और इनको अदालतों से कोई रिलीफ ना मिले तो उनकी हवालगी जो है वो जल्द हो सकेगी। कवानीन का बहुत सारा सहारा लेके अपना स्टे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं लेकिन हमने भी उनका पीछा छोड़ना नहीं है, उनको इंशाल्लाह वापस लेके आते हैं। उनकी वापसी के लिए MOU हुआ हुआ है। यही मामला नवाज शरीफ साहब का भी होगा और यही मामला मैं समझता हूँ उनके बच्चों का। शुगर में है सिर्फ जहांगीर तरीन साहब नहीं है, बाकी भी बहुत सारे साहिबान हैं, सलमान शहबाज भी हैं। कि नैब के कानून के तहत नैब करेगी, FIA अपने कानून के तहत, SCCP, अब उन तमाम इदारों ने अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन रिज्यूम कर ली है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इमरान खान पछता रहे हैं। जब इसहाक डार को नहीं ला सके, नवाज शरीफ को लाना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं। नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करें और वापस आ जाएं। मुर्दा और थकी हुई अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों जमातें NRO की तलाश में हैं, लेकिन ये कुछ भी कर ले अब किसी को NRO नहीं मिलेगा। जो आ गई पछता रहा है, जो नवाज शरीफ चला गया। इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है
कि वो वापस आए और ये केस कट रहा है। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफी है। ये मुर्दा अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर निकलेगी भी तो थकेगी और थक जाएगी। ये थकी हुई अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। नवाज शरीफ धोखा देकर बाहर गए हैं तो वजीर आजम इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ के इलाज की निगरानी सूबाई वजीर सेहत और आज की वफाकी मुशीर सेहत ने की। इमरान खान ने इजाजत देने पर काबीना को यकीन दहानी कराई, अगर फिर भी आपके साथ धोखा हुआ तो इस्तीफा दें। इन लोगों ने बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर भी सियासत की। जिस दिन मौलजीन कहेंगे नवाज शरीफ एक दिन जाया किए बगैर वापस आ जाएंगे। ये लोगों की बीमारी पर भी सियासत करते हैं। नवाज शरीफ साहब को इस हुकूमत ने इजाजत दी है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करें और उनके इलाज की शर्त यह है कि जब उनके मुआलजीन उन्हें सेहत का सर्टिफिकेट देंगे एक दिन जाये किए बगैर वो वापस आ जाएंगे। बाहर जाने की इजाजत हुकूमत